नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है कि कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता N95 मास्क। केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी। जी हाँ, एक बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आई है। N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग सांस लेने वाले छिद्रयुक्त N95 मास्क का इस्तेमाल न करें। ये मास्क वायरस को फैलने से बचाने के लिए जो है वो नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक हो सकता है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की जो है वो सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने राज्यों के स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के मुख्य सचिवों को लिखा है कि ऐसा देखा गया है कि जनता और स्वास्थ्य कर्मचारी की ओर से N95 मास्क का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर वो मास्क जिसमें छेद है। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने सलाह दी है कि घर पर बने मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध फेस मास्क को खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक राजीव गर्ग ने कहा है कि लोगों की जानकारी में लाया जा रहा है कि छिद्रयुक्त N95 मास्क इस्तेमाल के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वे मास्क कोरोना वायरस को फैलाने से नहीं रोकते हैं। लोगों से अपील भी की गई है कि N95 मास्क के इस्तेमाल से बचें और जितना हो सके घर पर बने मास्क ही इस्तेमाल करें। अप्रैल में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा था कि घर से बाहर निकलने पर घर पर बने मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। एडवाइजरी ने कहा गया है कि इन मास्क कवर को रोज़ाना धोया या साफ़ किया जाना वो बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा कहा गया है कि मुंह को ढकने के लिए कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि फेस मास्क ऐसे कपड़ों को बना हो जिसमें 5 मिनट से धोकर जो है जल्दी से सुखाया जा सके। साथ ही गर्म पानी जो है उससे जो है मास्क को जो है वो धोया जा सकता है। पानी को थोड़ा मास्क में जो है वो बहुत ध्यान से जो है वो धोना चाहिए। हाथों को जो है प्रॉपर सैनिटाइज या साफ़ किया जाना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। एडवाइजरी में क्लियरली कहा गया है कि फेस मास्क ऐसे कपड़े का बनाओ जिसे 5 मिनट में धोकर जल्दी से सुखाया जा सके। साथ ही गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर भी कपड़े को धोया जा सकता है। एडवाइजरी में यह भी बताया गया कि कैसे घर पर मास्क को बनाया जा सकता है और मास्क इतना फिट रखें कि कान, नाक और मुंह के पास किसी तरह की कोई जगह खाली ना रहे। मास्क पहनने से पहले लोग अच्छे से अपने हाथों को धोएं और एक बार इस्तेमाल करने के बाद या तो उसे फेंक दे, और अगर कपड़े का बना हो तो गर्म पानी से जो है उसको धोकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फेस मास्क किसी के साथ जो है अपना फेस मास्क जो है किसी के साथ साझा ना करें। परिवार के हर सदस्य के पास अपना अपना फेस मास्क होना चाहिए। बता दें कि भारत में COVID-19 के मामले 11 लाख के जो है वो पार पहुंच चुके हैं और इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 7 लाख है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से अब तक 27,497 लोग जो हैं की जो है वो मौत हो चुकी है। ये भारत का आंकड़ा बता रहे हैं। कोरोना वायरस से जो है वो नहीं बचा जा सकता है। N95 मास्क केंद्र सरकार ने जो है वो नई गाइडलाइन जो जारी की है। तो ये एक बड़ी खबर थी आपके पास में, हमने जो बताई है आपको। खबरों का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। आप देखते रहें नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।